दरभंगा में जहरीली शराब पीने से दो लोगों की मौत, दो की हालत गंभीर। बिहार में जहरीली शराब की वजह से एक बार फिर मौतें हुई है। ताजा मामला दरभंगा जिले के हायाघाट प्रखंड के मकसूदपुर गांव का है, जहां शराब पीने से दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि दो की स्थिति नाजुक बनी हुई है। एक पीड़ित का इलाज DMCH में चल रहा है, जबकि दूसरे पीड़ित का इलाज समस्तीपुर में चल रहा है। वहीं दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हम लोग इस मामले को लेकर अनुसंधान कर रहे हैं, किसी प्रकार की पुष्टि या खंडन करना संभव नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। दरअसल हायाघाट प्रखंड के मकसूदपुर गांव में बीते रविवार को दिन के करीब 1 बजे 55 वर्षीय लालटून सहनी, 29 वर्षीय अर्जुन दास, 26 वर्षीय संतोष कुमार दास, 50 वर्षीय भुला सहनी सहित 5 लोगों ने एक साथ बैठकर देसी शराब पी थी और सोमवार की सुबह से 4 लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद आनंद फानन में परिवार के सदस्यों ने चारों पीड़ित को इलाज के लिए हायाघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जिसमें से संतोष कुमार दास और भुकला सहनी सुबह के करीब 10 बजे दम तोड़ गया। वहीं लालटून सहनी का इलाज DMCH में तथा अर्जुन दास का इलाज समस्तीपुर में चल रहा है। वहीं लालटून सहनी की बेटी पार्वती देवी ने कहा कि हमारे पिताजी का यह हाल शराब पीने से हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि गांव के लोग अगर नहीं बोल रहे हैं तो उससे क्या होगा, यह घटना तो हमारे घर में घटा है, हमारे पिताजी का यह हाल शराब पीने से ही हुआ है। वहीं उन्होंने कहा है कि पीने वाले से ज्यादा गुनेगार बेचने वाला है। वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस के सामने गांव वाले बयान देने से डर रहे हैं कि कहीं हमको पकड़े कि ना ले जाए। हमारे गांव का दिनेश दास नाम का दिव्यांग व्यक्ति, जिसे गांव के लोग साथ देते हैं। नहीं, शराब से ही हुआ है। कौन लड़का नहीं बोल रहा है? गांव के लोग तो करेंगे। गांव का लोग बोलने से क्या होगा? गांव को साथ ऐसा हुआ नहीं है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मेरे पिताजी शराब पीने की वजह से ही अभी ये हालत में है। जो आदमी बेचता है उस पीने वाला से कम बेचने वाला ज्यादा गुनेगार है। क्या हुआ? तो गांव के अभी पुलिस पहुंची है तो कहता है लोग कि नहीं, पुलिस और लोग डरता है, जो कहीं हम बयान देंगे सर तो हमको पकड़ के ले जाए, पर हम नहीं डरते हैं। ठीक है, हमको डर नहीं है किसी से, वो लोग को डर है तो वो लोग सच बयान ना दे, हमको नहीं डर है तो हम सच बयान दे रहे हैं, क्योंकि वो शराब बेचता था और उसको गांव का आदमी भी सपोर्ट करता था, जो ये विकलांग थे, कहाँ जाएगा कमाने के लिए, ये बेच के अपने बाल बच्चा को पोसेगा, पर बाल बच्चा को पोसने के चक्कर में आज दो को हायाघाट थाना के मकसूदपुर गांव से कुछ लोगों के बीमार होने और डेथ होने की खबर आई थी, जिसके सत्यापन के लिए सभी पदाधिकारी आज गांव पर आए थे और जो लोग बीमार हैं उनके और जो दो लोग मरे हैं उनके परिजनों से पूछताछ की गई है। जो मृतक परिवार के लोग हैं उनका किसी भी तरह के शराब के सेवन या ऐसे पदार्थ के सेवन से इनकार किया गया है। अभी तक एक व्यक्ति DMCH में इलाजरत है और एक और व्यक्ति है जो इलाज के क्रम में वो स्वस्थ होकर और स्टेबल कंडीशन में है, वो अपने घर पे है। अभी हम लोग इंक्वायरी इसमें कर रहे हैं, अभी किसी भी प्रकार की पुष्टि करना या खंडन करना संभव नहीं है, लेकिन प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। इसमें आगे अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं, जो भी बातें आगे आएंगी उस आप साझा किएगा। इस न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक दरभंगा। नफीसा हज एंड उमराह ट्रेवल, हज उमराह ज्यारत 16 अक्टूबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस, 10 नवंबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस, 20 दिसंबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस, 15 जनवरी 2024, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। पैकेज इंक्लूजन एयर टिकट, उमरा वीजा, होटल, इंश्योरेंस, फूड, राउंड ट्रिप, ट्रांसपोर्टेशन बाय बस, जियारत, जमजम लॉन्ड्री, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, पासपोर्ट, दो पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड। इस बार हज उमरा का प्रोग्राम यह है, 2 सितंबर को पहला ग्रुप जा रहा लगा 15 दिन के लिए, 16 सितंबर को वापसी होगी। 95,000 की पैकेज है और सारी सहूलत है इसमें, खाने से लेके लॉन्ड्री, इंश्योरेंस, ज्यारत, मक्के की, मदीने की, सब इंक्लूड है इसके अंदर। कहाँ कहाँ से लोग इसमें आते हैं जिनको? पूरे बिहार से हमारे पास है, किशनगंज, अररिया, कटिहार, सीतामढ़ी, पूर्णिया, सब जगह के लोग आते हैं दरभंगा के लिए। कितने वर्षों से आप कर रहे हैं ये? 15 साल हमारा हुआ, ऐसे तो हमारा 30 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल से ग्रुप लेके जाते हैं, साल में 5-6 ग्रुप जाता है हमारा, और साथ में हम खुद जाते हैं, सारा मेंटेनेंस रेजिमेंट हम खुद करते हैं, इसमें किसी